एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे से हुई थी जिसका नाम था लियो। वो अपने महल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर लेडी पफी और उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही उदास और जेलिस थीं। अगर मैं उस महल में रहती तो मैं भी वहाँ डांस करती, कितना मजा आता ना। और मैं भी वहाँ रहती तो दुनिया के लजीज तरीन खाने खाती। हम नम नम। यहाँ तक कि उनकी बिल्ली भी महल में रहने के ख्वाब देखने लगी। लेडी पफी इतना गुस्सा थी कि उसने सिंड्रेला की सारी चीजें एक एक कर गैलरी से नीचे फेंकना शुरू की। ये सामान अब हमें नहीं चाहिए, ये सब फालतू हो चुका है, बाहर फेंक दो इन्हें। अचानक लेडी पफी को एक डब्बा दिखा जो कि कमरे के बिल्कुल कोने पर था। बड़ी तेजी से लेडी पफी ने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच निकली और वो सीधा लिविंग रूम जा पहुंची। लेडी पफी की दोनों बेटियां भी ये जानना चाहती थीं कि उस पॉकेट वॉच के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने बटन दबाया ताकि वो उसे खोल सके, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर क्या है। और ये बिल्कुल एक आम पॉकेट वॉच की तरह थी, लेकिन ये घड़ी कुछ अलग थी क्योंकि ये घड़ी पीछे की तरफ घूम रही थी। अचानक उस घड़ी में से लाइट बाहर आने लगी जो कि पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो बहुत हैरान हुए जब उनके सामने एक परी आ गई। आखिरकार मैं इस दुनिया में वापस आ ही गई। तुम कौन हो? मैं एक बुरी परी हूँ, मेरा नाम कायरा बेल है। कायरा बेल को परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक पत्थर दिल की परी थी। उसने लेडी पफी और उसकी बेटियों को बताया, जिस लड़की ने मुझे बचाया है वो कोई भी एक विश करे, जो चाहिए तुम्हें। मैं थी। कैरेबेल परी ने लेडी पफी को चुना और बगैर हिचकिचाए लेडी पफी ने एक विश करना चाही। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त पीछे ले जाओ और शहजादे लियो से मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी करवा दो। पत्थर दिल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरी दुनिया की घड़ियां को पीछे घुमाने लगी। और उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को वापस उसी वक्त में पाया जब उसकी शादी शहजादे लियो के साथ हो रही थी। वक्त और पीछे चला गया जब सिंड्रेला उस बंद कमरे में अपने पैर के अंदर उस जूते को पहन रही थी। वो उस कमरे के अंदर वापस गई। फिर वक्त और पीछे गया जब लेडी पफी ने सिंड्रेला को बंद किया था और अपनी बेटियों के साथ उस कमरे में गए थे ताकि वो जूता पहन सकते जो शहजादे लियो ने ढूंढा था। और दोबारा घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला और लियो ने एक दफा फिर डांस किया और सिंड्रेला पंपकिन पर फिर से महल जाने के लिए तैयार थी। वक्त पीछे जाता गया। वक्त तब जाकर रुका जब तक सिंड्रेला उस पेड़ पर वापस नहीं बैठी हुई थी अपने दोस्त चेडर और मोज़रेला के साथ, और परी लिया बेल दोबारा आई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है लिया बेल? शहजादा मुझे क्यों नहीं जानता? ये जरूर मेरी बहन कायरा बेल का काम होगा।
लियाबेल ने सिंड्रेला को उस डब्बे के बारे में बताया जो कि परियों की दुनिया में रखा हुआ था। उस डब्बे को खोलने से मना किया हुआ था, लेकिन कायरा बेल ने उस डब्बे को फिर भी खोल दिया। उसने बताया कि कायरा बेल बंद है एक पॉकेट वॉच के अंदर। काफी वक्त गुजरने के बाद वो बाहर आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ लेडी पफी की मदद से। उसने दिखाया कि कायरा बेल भी उनके साथ है। लेडी पफी ने कायरा बेल से एक बहुत बुरी विश की है और हमें उसे रोकने के लिए हमें उसे उस पॉकेट वॉच में दोबारा बंद करना होगा। मुझे मंजूर है, मगर कैसे? लियाबेल, सिंड्रेला और उनके छोटे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। कुछ दिन और पीछे होते गए। सिपाही ने एक दफा फिर आकर दावतनामा पेश किया, लेकिन इस बार लेडी पफी की बेटियों ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और अपने कपड़े चुपके से पहने। और अगले दिन सिंड्रेला को पार्टी में जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसे बंद किया और अपनी बेटियों के साथ भाग गई बगैर कुछ कहे। पार्टी में जाने से पहले कायरा बेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कैसेंड्रा के ऊपर प्यार का एक जादू डाला। जैसे ही कैसेंड्रा पार्टी में अंदर आई, उसने शहजादे को अपने काबू में कर लिया सिर्फ उस जादू की मदद से। शहजादा उसके करीब गया और उससे पूछा कि क्या वो डांस करेगी। हाँ। दूसरी तरफ सिंड्रेला और उसके छोटे दोस्त अभी भी उस कमरे में बंद थे और परी का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट पिजन उस छोटी खिड़की के पास आया और वो उस पुरानी पॉकेट वॉच को भी अपने साथ लाया। थोड़ी ही देर बाद प्यारी परी लियाबेल आ गई। हमें जल्दी से हेज़लनट के पेड़ पे जाना होगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया, लेकिन पेड़ के पीछे पत्थर दिल परी कायरा बेल खड़ी थी। तुम्हारा प्लान नाकामयाब हो जाएगा। सिंड्रेला अब कुछ नहीं कर पाएगी और अब तुम्हें उस वॉच के अंदर जाना होगा लियाबेल। पत्थर दिल परी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस परी को हरा पाए और लियाबेल भी अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। दोनों चूहे और पिजन सिंड्रेला के पीछे जा छुपे क्योंकि वो डर गए थे। लियाबेल की ताकत बढ़ती गई और आखिरकार पत्थर दिल परी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सिंड्रेला, घड़ी, अभी जल्दी से घड़ी को खोलो। नहीं, मुझे उस घड़ी के अंदर वापस बंद नहीं होना, नहीं। सिंड्रेला ने जल्दी से उस घड़ी को खोला और वो पत्थर दिल परी वापस उस घड़ी के अंदर जा पहुंची। दुनिया के अंदर चलने वाली तमाम घड़ियां वापस सही से चलने लगीं, लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। पार्टी, मैं पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ लियाबेल। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को अपने जादू से दोबारा कपड़े दिए और उसके जूते भी। थोड़ी ही देर बाद जादू की मदद से लियाबेल ने पिजन को एक बहुत बड़ी बर्ड में बदल दिया और सिंड्रेला पिजन के ऊपर बैठी और बगैर टाइम जाया किए महल की तरफ निकल गई। लेकिन जब वो आई, उसने देखा कि शहजादा लियो कैसेंड्रा के साथ डांस कर रहा है। मोज़रेला और चेडर
शहजादे लियो के पास गए ताकि वो उसे जादू से हटा सके। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तो वहाँ पर खड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की? छोड़ो उन्हें, हम डांस करते हैं। सुनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। जैसे ही शहजादे लियो ने सिंड्रेला को देखा, वो उससे दोबारा प्यार कर बैठा और सच्चे प्यार के जादू ने उस पत्थर दिल परी का जादू तोड़ दिया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने दोबारा डांस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को हमेशा से जानता हूँ। सिंड्रेला खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी और मोज़रेला और चेडर भी डांस कर रहे थे। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने एक दफा फिर शादी की और वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। दूसरी तरफ लेडी पफी और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हम ये दोबारा नहीं कर पाए। सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलेस बेटियां थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो, जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती, स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी, सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोज़रेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोग को चीज बहुत पसंद है, मेरे पास तुम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे एक घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी, लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे
सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सके। अरे नहीं, अरे नहीं, चूहे! आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, यहाँ एक नहीं दो दो चूहे हैं। अम्मी बचाए! लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना, सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो। लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बाउल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। म-
मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लिया बेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताई। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पंपकिन की कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस करके बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई। जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था। लेकिन शहजादे लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगीं, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया
कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है। वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।